साफ साफ दिखाई दे गया कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर देश को लूटा है। मैं अरविंद केजरीवाल, मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, इस देश से भ्रष्टाचार दूर करके रहेंगे। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर रेनोवेशन पर जो खर्चा हुआ इन दिनों राजधानी में, उस पर जमकर राजनीति हो रही है। केजरीवाल पर विपक्ष तो हमलावर है ही, साथ ही कभी उनके साथ खड़े रहे साथी भी उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और रामलीला मैदान में हुए आंदोलन को मिट्टी में मिलने की बात कही। प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर लिखा, 3-4 कमरे के मकान से 44 करोड़ के महल तक, वो भी सरकारी खर्चे पर, आम आदमी से खास राजा, ये कहां आ गए हम, पूरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया। वहीं इस कड़ी में कभी केजरीवाल के करीबी रहे पत्रकार से नेता बने आशुतोष ने भी आलोचना करते हुए लिखा, शीश महल एक सपने की मौत का मकबरा है। अब यहाँ पर हम आपको अरविंद केजरीवाल का वो पुराना बयान भी सुनवा देते हैं जिसमें वो 3-4 कमरे के मकान में रहने की बात कर रहे हैं। मैं जहाँ भी जाऊँगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब, 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। कोई भी लाल बत्ती अब दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगेगी, ना मुख्यमंत्री की गाड़ी के ऊपर लगेगी, ना मंत्रियों की गाड़ी के ऊपर लगेगी, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर बीते दिनों आरोप लगाया था कि कोरोना काल के दौरान केजरीवाल ने अपने घर के सौंदर्यकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। ऐसे असंवेदनशील मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस मुद्दे पर पार्टी ने बीते दिनों सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया था। पार्टी ने भी पूरे मसले को साजिश करार देते हुए आरोप लगाया कि पुलवामा और अडानी समेत देश के गंभीर और बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। आजादी से पहले बने मकान के जर्जर हो जाने पर जरूरत के हिसाब से मरम्मत करवाई गई थी। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया जिसको लेके कल से चर्चा हो रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे विवाद में और क्या नया मोड़ निकल कर सामने आता है। वहीं इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली तक।